है फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉफिट कार्ड दोस्तों, जहां बात होगी आपकी प्रॉफिट की दोस्तों। तो समय न बर्बाद करते हुए मैं पहले आपको बता दूं दोस्तों, कल मैं वीडियो बनाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो भी शॉर्ट्स बनाया था दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया और जिस लेवल पे हमने बाई करने के लिए बोला था और उस लेवल पे बाई हुआ और आज मार्केट हमारे अनुसार बहुत ही अच्छा चला दोस्तों। उसके साथ साथ हमारे स्विंग ट्रेड्स के बहुत सारे वीडियोज हैं, आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं दोस्तों। 20 to 25 वीडियोज है दोस्तों और सभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं। इस गिरते हुए मार्केट में भी हमारा जो भी शेयर्स है वो 1 से 2 दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करके और 1 से 2 दिनों में 5 से 10% तक का टारगेट निकाल के हमें मिला है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों। आइए टाइम नंबर बात करते हैं, हम लोग अपने नए सीरीज, जो हमारा एक सीरीज है जिसमें हम लोग आईपीओ की बात करते हैं, तो हम लोग आईपीओ की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आईपीओ में आज का जो टॉपिक है वो टेगा इंडस्ट्रीज है दोस्तों। टेगा इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पहले बता दूं दोस्तों कि ये एक माइनिंग की कंपनी है, ये माइनिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, खुद भी माइनिंग करती है दोस्तों और वर्ल्ड की सेकेंड माइनिंग कंपनी में पॉलीमर जो माइनिंग करती है उसमें ये सेकेंड लीडिंग कंपनी है दोस्तों। और इसका ये एक प्रोडक्ट है दोस्तों, मैं निकाल के रखा हूँ, जिसका नाम है हाइड्रोसाइक्लोन दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे, लिस्टिंग कब होगा, लिस्टिंग का क्या डेट कौन सा है, लिस्टिंग के लिए क्या क्या हम लोग लिस्ट करें या नहीं, क्या इसके लिए हम लोग अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसके ओवरव्यू 5 to 10 years में कंपनी कैसी परफॉर्म करेगी दोस्तों, ये सब कुछ बात करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियोस बनाने में दोस्तों, तो प्लीज दोस्तों अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें, लोगों को भी बताएं। एक अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों टेगा इंडस्ट्रीज में दोस्तों कमाने का, आप इसमें आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा क्या नहीं, सारा कुछ इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर बात किया जाए इसकी अगर प्राइस बैंड अनाउंसमेंट की, तो नवंबर 2021 में अनाउंसमेंट किया गया था दोस्तों। आईपीओ का ओपन डेट जो है 1 दिसंबर 2021 है दोस्तों, तो 1 दिसंबर 2021 को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। आज का डेट हुआ 30 नवंबर, मतलब कल ये आईपीओ ओपन होगा दोस्तों, लिस्ट नहीं दोस्तों ओपन होगा, और क्लोज डेट है 3 दिसंबर 2021। तो उससे पहले हम लोगों को इसमें अप्लाई कर देना है दोस्तों। उसके बाद अगर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात किया जाए, तो 8 दिसंबर 2021 को ये अलॉटमेंट की बेसिस होगी और रिफंड जो होगा वो जो लोगों को नहीं मिला उसको 9 दिसंबर 2021 को रिफंड मिल जाएगा दोस्तों। और क्रेडिट टू अगर डीमेट अकाउंट में अगर आपको मिल गया है दोस्तों, तो 10 दिसंबर को आईपीओ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। और उसके साथ साथ आईपीओ लिस्टिंग डेट जो है वो 13 दिसंबर 2021 को है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हाँ, इसके बारे में पूरी जानकारी, लिस्ट कब होगा, क्या होगा, आईपीओ ओपन कब होगा, आईपीओ क्लोज डेट कब होगा, रिफंड कब मिलेगा, ये सब कुछ देख लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे की कि हाँ क्या है इसका क्या नहीं है दोस्तों। तो ये आईपीओ आप देख सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट में बता ही दिया दोस्तों। और इसके आईपीओ का जो प्राइस है दोस्तों 443 to 453 है, मतलब अपर बैंड 453 का है, हम लोग 453 करके अप्लाई करेंगे दोस्तों। मार्केट लॉट 33 शेयर्स का है दोस्तों, मिनिमम ऑर्डर भी आप 33 शेयर्स आपको लेना पड़ेगा, एनएससी प्लस बीएससी दोनों में लिस्ट हो रहा है दोस्तों। साथ में अगर इशू साइज की बात किया जाए तो 619 करोड़ रुपीज का इशू साइज है दोस्तों। ऑफर फॉर सेल भी 619 करोड़ रुपीज का, ये एक सोचने वाली बात है, ये एक निगेटिव पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। ऑफर फॉर सेल अगर 620 करोड़ रुपीज बोल दीजिए, मींस जितना के जितना इशू प्राइस है वो पूरा ऑफर फॉर सेल है दोस्तों। ऑफर फॉर सेल मींस प्रमोटर अपनी कंपनी से सीधे सीधी अपने शेयर्स को बेच के पैसा कमाना चाहते हैं और कोई दूसरा इंसेंटिव नहीं है इनका आईपीओ लिस्ट करने का दोस्तों। तो मेनली जो इनका टारगेट है यही है कि कंपनी को लिस्ट किया जाए शेयर मार्केट में और उससे पैसा कमाया जाए। तो ये एक निगेटिव फैक्टर है, क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, पॉजिटिव फैक्टर ये होता है कि कंपनी अपने ब्रांचेस बढ़ाना चाहती थी, कंपनी अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाना चाहती थी, कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती, तो वो पॉजिटिव फैक्टर होता है। लेकिन ये है कि प्रमोटर खुद कमाना चाह रहा है, तो ये एक निगेटिव फैक्टर है दोस्तों। लेकिन आईपीओ साइज बहुत छोटा है 620 करोड़ का, तो ये एक पॉजिटिव बात भी है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कंपनी के लेके कि क्या है क्या नहीं दोस्तों। तो अगर टेगा इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात किया जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एकदम बहुत ही अच्छा है। 2019 में जो कंपनी का एसेट 790 करोड़ रुपीज का था,
2020 में 887 करोड़ रुपीस का हो गया और 2021 में 1,081 करोड़ रुपीस का हो गया। अगर रेवेन्यू की बात किया जाए तो 643 करोड़ का रेवेन्यू था 2019 में, रेवेन्यू भी भरा 696 करोड़, अभी 857 करोड़ तक का रेवेन्यू बन चुका है दोस्तों। और कंपनी की अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया जाए दोस्तों तो 32 करोड़ था, जो डबल कर लिया कंपनी ने 2020 में जो कि 65 करोड़ था, और फिर से डबल कर लिया दोस्तों 2021 में 136 करोड़ का। सवाल उठता है कि कंपनी कब तक इस प्रॉफिट को डबल करती जाएगी दोस्तों, तो उसके लेके हम लोग आगे देखेंगे कि कंपनी के आगे के क्या टारगेट्स हैं, किस तरीके के मार्केट है दोस्तों। कभी भी किसी आईपीओ को अगर आपको देखना है तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम एनालिसिस करना होगा, पहले तो मार्केट के एनालिसिस करना होगा, फिर उस इंडस्ट्री के एनालिसिस करना होगा, फिर उस कंपनी का एनालिसिस करना होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों उसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी तक तो कंपनी जो दिखा रही है वो काफी पॉजिटिव है, अपने अपने जो भी इनकम्स है उसको डबल करते जा रही है दोस्तों, तो ये प्रॉफिट्स को डबल करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आगे देखते हैं इसके क्या एक्सपोजर्स होंगे, किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ेगी और क्या नहीं है दोस्तों। अगर मार्केट एनालिसिस की बात किया जाए दोस्तों तो ये वन ऑफ द माई बेस्ट पिक मैं आफ्टर 2021 के बाद में, मतलब 2021 में ये मैं सबसे ज़्यादा ये पिक देखने वाला मैं ही इंसान हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मुझे बताता है कि चलिए कम से कम मार्केट जो है एक पॉजिटिव साइन पे आ रहा है दोस्तों। ये जो वी शेप है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है दोस्तों। 2020 में जो मार्केट, पूरा वर्ल्ड मार्केट 3.3% डाउन था, एडवांस इकोनॉमी जो था वो 4.7% डाउन था, इमर्जिंग इकोनॉमी और डेवलपिंग कंट्रीज का जो इकोनॉमी था -2.2% था, जिसमें एक अच्छा खासा आप ग्रोथ देखने को मिल रहा है 2021 में 6.1 से, फिर 2022 में 4.9 से, फिर 2023 में 4.9 से। ये एक फॉरकास्ट है जिसमें दिखा रहा है दोस्तों कि जो भी इमर्जिंग इकोनॉमी है, इमर्जिंग मार्केट है, वो एक बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है दोस्तों, मतलब मार्केट में चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें ऊपर जा रही हैं, मार्केट ठीक हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है एज ए कंपनी के रिलेटेड कि हाँ मार्केट में ही अच्छा जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया की दोस्तों, तो इंडिया में देख सकते हैं दोस्तों जो 2020 के आसपास का जो ये इस समय का जीडीपी था -7.3%, और उसको एकदम से 2021 2022 में 9.3, 11.2, 6.7, 6.9, मींस एकदम से मार्केट रिवाइव कर रही है, एकदम से मार्केट रिवाइवल स्टेज पे पूरी तरीके से अपने आप को ठीक करके ऊपर फॉरकास्ट जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। 10% का जीडीपी, 10% का बहुत बड़ी बात है दोस्तों, तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है दोस्तों इंडियन मार्केट के लेके भी। जो ये फॉरकास्ट है अगर ये इस तरीके से रहा तो सारे इंडस्ट्रीज काफ़ी बूम पे रहेंगे दोस्तों, मीन्स मार्केट में एक पॉजिटिव साइन है। आफ्टर कोविड हम लोगों को मार्केट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड का जो इम्पैक्ट है दोस्तों, अभी फिर से एक कोविड का इम्पैक्ट आने का चांसेस है, तो वो फिर से अगर मार्केट को एक और यहाँ से एक और नीचे की ओर ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। तो मार्केट जब निगेटिव जाएगा तो इंडस्ट्री भी निगेटिव जाएगी, कंपनीज को भी लॉसेस होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो उसको हम लोगों को देखना जरूरी है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं दोस्तों कि इसका आगे का क्या हाल है दोस्तों। तो अगर बात किया जाए इसमें ग्लोबल जो ये कंपनी है वो मिनरल्स की बात करती है, मिनरल्स पे इनका काम है जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो जो भी कंपनीज है जो मिनरल्स निकालते हैं जमीन से, तो उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज का चीज़ें बनाती है, जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया भी दोस्तों कि हाँ इनका जो ये जो एक इस तरीके का जो ये मशीन है, ये मशीन काम आता है दोस्तों नीचे से आयरन ओर वगैरह निकालने में दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक का जो ग्रोथ था, जो ग्लोबल ग्रोथ की बात है जो इंडस्ट्री साइज की मिनरल प्रोसेसिंग की, वो 6.8 CAGR से बढ़ रहा था दोस्तों, और अभी भी उम्मीद है 2030 तक 6.3 CAGR से ये बढ़ते जाएगा दोस्तों। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है, मतलब ये इंडस्ट्री में जो ग्लोबली है उसका एक बहुत बढ़िया इंपैक्ट है कि इंडस्ट्री में ग्लोबली, और ग्लोबली हम लोग इतना ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस कंपनी का 85% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से जनरेट होता है, तो हम लोगों को ग्लोबली ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन कंपैरिजन विद इंडिया बिकॉज। और ये एक निगेटिव पॉइंट भी स्लाइटली बनता है कि अगर किसी तरीके के फॉरेन रूल्स में चेंजेज आते हैं दोस्तों तो कंपनी को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 6.3 CAGR से जो ये मिनरल इंडस्ट्री है वो उसमें ग्रोथ है दोस्तों। आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अभी जो इंडिया में जो चेंजेस आया है, जो रिफॉर्म्स आया है 2021 में माइंस एंड मिनरल्स में दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस तरह का ओपन कर दिया है मार्केट की हाँ
प्राइवेट सेक्टर्स भी आ सकते हैं माइंस एंड मिनरल्स इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है दोस्तों। साथ में एक लिबरलाइजेशन का एक चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं इस इंडस्ट्री में भी दोस्तों। गवर्नमेंट इसमें थोड़ा लिबरल पॉलिसी अपना रही है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑक्शन करा रही है दोस्तों। जो पुराने लोग, जो पुरानी कंपनीज थी जो किसी तरीके से लीज पे ले ली थी और आज तक उस तरीके से कोल प्रोड्यूस कर रही थी या फिर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही थी और उसका पूरी तरीके से दबदबा था, वो कंपनी के मोनोपोली को ख़त्म करके इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को भी उसमें और भी ऑप्शंस करवा रही हैं। साथ में एक बहुत ऑप्शंस में एक आपको पता है कि हाँ 4-5 बिड प्राइस लगता है, 5-6 कंपनी का एक फेयर कंपटीशन होता है दोस्तों। तो ये एक पॉजिटिव खबर है दोस्तों और इसका भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी मिलेगा दोस्तों इस कंपनी को। हालांकि इंडियन मार्केट में इसका रेवेन्यू कम है दोस्तों, उसके साथ साथ अगर बात किया जाए इसमें इसके अगर प्रोडक्ट की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं ये ऐसे तो ये 55+ प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो हाइड्रोसाइक्लोन्स है दोस्तों। जो प्रोडक्ट आप पीछे देख भी रहे हैं ये हाइड्रोसाइक्लोन्स है दोस्तों, और इसका जो काम है और जिसका जो इसका ग्रोथ है दोस्तों, ऐसे करके 55 प्रोडक्ट्स बनाता है दोस्तों। वर्ल्ड का मैंने बता चुका है कि वर्ल्ड का सेकेंड लीडिंग कंपनी है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है। और इसके साथ साथ अगर बात किया जाए इसका ये जो हाइड्रोसाइक्लोन्स है दोस्तों, जो इसका जो फॉरकास्ट किया जाए तो अभी तक जो इसका यूज़ हो रहा था वो 4.3% से पर ईयर ग्रोथ हो रहा था दोस्तों, और आगे 6% के CAGR से इस सिर्फ इसके इस प्रोडक्ट का ग्रोथ है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 2030 तक इस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है माइनिंग प्रोसेसिंग में दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का एक तो माइनिंग का काम भी करती है, दूसरा माइनिंग का जो इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज को जो मशीन्स है उसको भी सप्लाई करती है, इसके प्रोडक्ट्स हैं जो उसमें भी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों इनका डबल काम हो गया इस तरीके से, और 85% के आसपास इसका मैं बता चुका हूँ कि ग्लोबली इसका आपको मिलेगा 85% रेवेन्यू ग्लोबली इसका आता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का ओवरऑल जो है अभी फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 30% एबव चल रहा है दोस्तों। मीन्स मैं तो इस IPO में अप्लाई करने जा रहा हूँ अपने सारे डीमैट अकाउंट से दोस्तों, आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन मिलने का पूरे पूरे चांसेस है दोस्तों। अगर निगेटिव्स की बात किया जाए, पॉजिटिव्स की बात किया जाए पहले, तो आप देख सकते हैं कि 85% से ऊपर रेवेन्यू बाहर से मिलता है, कंपनी सेकेंड लीडिंग कंपनी है दोस्तों, थर्ड कंपनी में सबसे बड़ी बात है कि कंपनी प्रोसेसिंग की भी काम करती है और कंपनी ऐसी चीज़ें भी बनाती है, ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाती है जो काम आए कंपनी प्रॉफिट में दोस्तों। हम अपने 3 ईयर्स में अपने प्रॉफिट को डबल 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 करते आए हैं दोस्तों। अगर निगेटिव की बात किया जाए दोस्तों, तो फॉरेन पॉलिसी में अगर कोई चेंजेज आती है तो कंपनी को इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। दूसरा, अभी का जो मार्केट है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा बात है कि हाँ अभी का जो मार्केट है दोस्तों, वो मार्केट के हिसाब से मार्केट एक निगेटिव सेंटिमेंट में चल रहा है, तो कभी कभी अच्छा IPO भी पिट जाता है दोस्तों, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। और थर्ड निगेटिव पॉइंट दोस्तों कि कंपनी सीधे सीधी लिस्टिंग अपने शेयर्स को मार्केट में डालने के लिए और उससे पैसा कमाने के लिए कंपनी लिस्ट हो रही है, तो ये एक और बात है कि ऑफर फॉर सेल टोटली जितने भी इसके इशू प्राइस हैं वो टोटल ऑफर फॉर सेल्स के हैं दोस्तों। तो ये 3 नेगेटिव पॉइंट और 3 पॉजिटिव पॉइंट मैं इस कंपनी के बारे में आपको बता दिया दोस्तों। बट फिर भी इस कंपनी प्रॉफिट में दोस्तों, इसमें मैं तो इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, आप अपना रिसर्च खुद करें दोस्तों, सब कुछ पढ़े, सब कुछ देखे, फिर जाके आप इसमें अप्लाई करें दोस्तों। तो इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सारे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।